अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आईसीटी इस्लामाबाद पुलिस ने न्यू जॉब वैकेंसीज अनाउंस की हैं। तमाम डिटेल्स हमारी आज की वीडियो में। सो वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने सर्च बार में राइट करना होगा आईसीटी इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स 2022। फिर आपके सामने कुछ लिंक्स जो होंगे, मैं फर्स्ट वन को चूज कर रही हूँ और ये हमारे सामने का वेब पेज ओपन हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये रही इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे इन्होंने बताया हमारे पास कांस्टेबल की पोस्ट अवेलेबल है जिसका स्केल 7 है और सीट्स हमारे पास 1668 अवेलेबल है। इसी के आगे इन्होंने कॉलम में बताया कि किस प्रोविंस में कितना कोटा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो जनरल सीट्स जो हैं वो 354 अवेलेबल हैं। इसके बाद विमेन की 42 अवेलेबल हैं और माइनॉरिटीज की 21। इसी के आगे कॉलम में उन्होंने एजुकेशनल स्टैंडर्ड बताया कि मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताए हैं जिसमें उन्होंने एज बताई, 18 to 25 ईयर्स एज हो सकती है, आपकी मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए और दूसरी चीज़ें उन्होंने बताई हैं जैसे कि अगर आपने रनिंग करनी है, अगर आप मेल हैं तो आपने 1.5 मील रनिंग करनी है 10.5 मिनट्स में और अगर आप फीमेल हैं तो आपने 1.5 मील की रनिंग करनी है 15 मिनट्स में। इसके नीचे हम देखें जनरल इंस्ट्रक्शंस में तो उन्होंने कहा है कोई भी ट्रांसजेंडर अगर अप्लाई करता है तो वो ये देख ले कि अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो मेल जैसा दिखता है तो फिर उसने मेल्स के फिजिकल स्टैंडर्ड्स के क्राइटेरिया को मीट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हाइट की बात करें तो उन्होंने कहा 5 feet 7 inch आपकी हाइट होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर ट्रांसजेंडर जो है वो फीमेल की तरह की उसकी लुक है तो फिर उसने फीमेल की फिजिकल स्टैंडर्ड मीटअप करना होगा। जैसे कि विमेन की हाइट जो है वो 5 feet 2 inches होनी चाहिए तो फिर ट्रांसजेंडर में ये चीज़ देखी जाएगी कि क्या उसकी हाइट इतनी एटलीस्ट मीट कर रही है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो पुलिस एम्प्लॉय रह चुके हुए हैं तो जब आपने इंटरव्यू के टाइम पर आना है तो आपने अपने पेरेंट्स की पेंशन की बुक, रिटायरमेंट ऑर्डर लेकर आना है ताकि आप क्लेम कर सके हाँ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में सर्व कर चुके हुए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी में आपने कोई डॉक्यूमेंट अपना सबमिट नहीं करवाना और जब आपने फिजिकल टेस्ट के लिए आना है तो आपने अपना CNIC, अकेडमिक सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ लेकर आना है। ऑनलाइन आपने इस वेबसाइट पर अप्लाई करना है www.islamabadpolice.government.pk within 15 days और 15 days जो है वो 22nd November बनता है जो कि यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 22nd November 2022 है। इसके बाद नीचे उन्होंने देन नेक्स्ट पॉइंट में वो बता रहे हैं जब आपने एंड्योरेंस टेस्ट के लिए आना है तो आपने जॉगर्स या शूज वेयर करके आने हैं वो जो कि सूटेबल हों रनिंग के लिहाज से भी और दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज के लिहाज से भी और साथ में आपने अपने लिए पानी की बोतल भी लेकर आनी है। एग्जामिनेशन सेंटर जो डिटेल होगी वो आईसीटी पुलिस वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपका सेंटर जो है वो कौन सा डेजिग्नेट हुआ है। और उन्होंने कहा अगर आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको 7 ईयर्स के लिए कैद भी कर सकते हैं। इस पॉइंट में उन्होंने बताया कि जब आपकी सारा सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर मेडिकल टेस्ट में आपकी आईसाइट जो है वो 6/6 से कम हुई या आपको हेपेटाइटिस बी या सी हुआ तो फिर आपको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब्स डिटेल्स।